नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो पीनियल ग्रंथि वाला चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में बता दिया, पीयूष ग्रंथि के बारे में बता दिया कि ये दोनों ही ग्रंथियां कहाँ हैं, तो अपने मस्तिष्क में है। और इसके अलावा दोस्तों, जो आज वाला जो अपना जो चैप्टर है तो वो कौन सा है, तो वो आप याद रखना, वो पीनियल ग्रंथि वाला चैप्टर है, ठीक है। अब पीनियल ग्रंथि में देखिए दोस्तों, जो पीनियल ग्रंथि के बारे में भी आप याद रखना, ये भी अपने मस्तिष्क में है। आज वाला जो अपना जो चैप्टर है दोस्तों, वो भी आपको याद रखना, पीनियल ग्रंथि वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि, और इंग्लिश में इसे कहते हैं PINEAL, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो पीनियल ग्रंथि वाला चैप्टर है, ठीक है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और इसकी लोकेशन के बारे में अगर आपको पूछ लिया जाए तो लोकेशन के बारे में आप याद रखना, इन सभी की लोकेशन, इन तीन ग्रंथियों की जो लोकेशन है वो है अपना मस्तिष्क। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो तीनों ग्रंथियाँ अपने मस्तिष्क में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना कि ये जो पीनियल ग्रंथि है अपने मस्तिष्क के अग्र भाग में, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क। मैंने मिला आपको पहले ही बताया था कि अपने मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। और दोस्तों, ये जो पीनियल ग्रंथि है इसके बारे में आपको याद रखना, ये मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जहाँ अपन तिलक लगाते हैं, जहाँ अपन तिलक लगाते हैं वहाँ कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, वहाँ पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? तो आपको याद रखना, जहाँ अपन तिलक लगाते हैं, जहाँ अपन तिलक लगाते हैं वहाँ कौन सी ग्रंथि है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, वहाँ पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि भी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तिलक लगाना भी एक कोई धार्मिक कोई उद्देश्य नहीं है या धार्मिक कारण नहीं है, ठीक है। तिलक लगाना भी एक वैज्ञानिक रीजन है दोस्तों, ठीक है, जिससे क्या होता है कि अपने मस्तिष्क को या अपने कि अपने मस्तिष्क को या अपने पीनियल ग्रंथि को क्या मिलती है? शीतलता प्रदान होती है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको याद रखना कि जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आपको याद रखना, वहाँ पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो पीनियल ग्रंथि है और इससे जो एक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, और इससे हार्मोन स्रावित, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे हार्मोन स्रावित है मेलाटोनिन हार्मोन। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपको याद रखना, इस पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का नाम है दोस्तों मेलाटोनिन हार्मोन। क्या नाम है? मेलाटोनिन हार्मोन। तो आपको याद रखना, ये पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अब देखिए दोस्तों, जो मेलाटोनिन हार्मोन है, तो मेलाटोनिन के बारे में, जो अत्यधिक प्रकाश में, मतलब अगर प्रकाश की मात्रा अधिक है और अधिक प्रकाश में, और इसका स्राव क्या होता है? कम होता है। इसका जो स्राव है ये कम मात्रा में निकलता है, ठीक है। और ये अपन बात करें अंधकार, क्या है? अंधकार या अंधेरे में, और अंधेरे में इसका स्राव क्या होता है? अधिक होता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको याद रखना कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये अति प्रकाश या तेज प्रकाश में, और इसका स्राव क्या होता है? कम होता है। और अंधकार में या अंधेरे में, और इसका स्राव क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। और रात के समय दोस्तों इसका स्राव क्या होता है? अधिक होता है। और इसीलिए हमें क्या है, जो नींद के लिए अपने उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है, तो नींद के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा दोस्तों? मेलाटोनिन हार्मोन है। ये रात के समय सबसे ज़्यादा स्रावित होता है, और इसीलिए दोस्तों इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? इस हार्मोन को अपन नाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे अपने नाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि किस हार्मोन को अपन नाइट हार्मोन कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला मेलाटोनिन हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? नाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये आपको याद रखना, ये अपनी जो नींद है, अपनी जो नींद है, ये नींद में क्या होता है? सहायक होता है। ये नींद में क्या होता है? साइक होता है। अगर दोस्तों इस हार्मोन का अगर कम स्त्राव होगा,
अगर अपन जो रात को सो रहे हैं अगर इसका हार्मोन का कम स्राव होने पर क्या होता है, अपन अनिंद्रा के शिकार हो जाते हैं। किसका शिकार हो जाते हैं? अनिंद्रा का शिकार हो जाते हैं, मतलब नींद बहुत कम आती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको याद रखना ये जो हार्मोन है ये मेलेटोनिन हार्मोन अपनी नींद में सहायक होता है। ठीक है, और इसको अपन नाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने क्या बताया था कि ये तेज प्रकाश में ये कम स्रावित होता है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो अपने जो पीनील ग्रंथि है ये एक प्रकाश संवेदी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? प्रकाश संवेदी। आपसे पूछ ले जाए कि कौन सी ग्रंथि एक प्रकाश संवेदी ग्रंथि है, तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो पीनील ग्रंथि है ये एक प्रकाश संवेदी ग्रंथि है, और इसीलिए दोस्तों पीनील ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, मनुष्य की तीसरी आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य की तीसरी आंख। आपसे पूछ ले जाए कि मनुष्य की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहते हैं, तो आपको याद रखना पीनील ग्रंथि को अपन मनुष्य की तीसरी आंख भी कहते हैं। दोस्तों शिवजी के बारे में अपन देखते हैं कि भगवान जो शिव शंकर भोलेनाथ है इनकी तीन आंख थी। दोस्तों इनकी तीन आंख नहीं थी, भगवान शिव शंकर की जो पीनील ग्रंथि थी वो क्या थी? एक्टिव थी। ठीक है, और इसीलिए भगवान श्री शिव शंकर या भोलेनाथ को अपने के त्रिनेत्र देव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पीनील ग्रंथि क्या थी? अधिक विकसित थी। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना पीनील ग्रंथि को अपने मनुष्य की क्या कहते हैं? तीसरी आँख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी आँख भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि जो तेज प्रकाश है और तेज प्रकाश वाले क्षेत्र में, तेज प्रकाश वाला जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, और उस एरिया में क्या होता है कि बच्चों में यौनावस्था शीघ्र आ जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि तेज प्रकाश वाले जो बच्चों में जो यौनावस्था, ठीक है, तेज प्रकाश वाले जो बच्चों में जो यौनावस्था शीघ्र आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो मेलेटोनिन हार्मोन की कम स्राव के कारण तेज प्रकाश वाले क्षेत्रों में क्या होता है, बच्चों में यौनावस्था शीघ्र आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने जो जन्मांध, जो जन्म से अंधे हैं, जो जन्मांध है, जो जन्मांध बच्चे हैं, और उनमें भी क्या होता है कि यौनावस्था समय से पूर्व आ जाती है, तो ये कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है इसके लिए? तो इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना पीनील ग्रंथि उत्तरदायी है। कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना इसके लिए मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, तो क्वेश्चन के बारे में आप देखो कि क्वेश्चन किस प्रकार से, इसमें जानना जरूरी है। ठीक है, किस ग्रंथि की वजह से बच्चों में यौनावस्था शीघ्र आ जाती है? तो आपको याद रखना पीनील ग्रंथि। हार्मोन कौन सा हो जाएगा? मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा ग्रंथि एक प्रकाश संवेदी ग्रंथि है? तो आपको याद रखना पीनील ग्रंथि। कौन सा हार्मोन तेज प्रकाश में कम स्रावित होता है? तो कौन सा हो जाएगा? मेलेटोनिन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, किस ग्रंथि को मनुष्य की तीसरी आंख कहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपको याद रखना पीनील ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा कि सूरदास जी ने अंधे होते हुए भी अनेक साहित्यों की रचना करती थी। क्यों? क्योंकि सूरदास जी में क्या हुआ था कि सूरदास जी में ये जो पीनील ग्रंथि क्या थी? अधिक विकसित थी। क्या थी? अधिक विकसित थी। ठीक है, जो व्यक्ति दोस्तों जन्म से अंधे होते हैं, जन्म से जो अंधे होते हैं, और जन्म से अंधे व्यक्ति क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को स्पर्श कर सूंघ कर वो क्या करते हैं, किसी वस्तु की पहचान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कौन सी ग्रंथि विकसित होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना उनमें पीनील ग्रंथि क्या होती है? विकसित होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो जन्म से अंधे होते हैं, जन्म से अंधे में क्या होता है? स्पर्श, ठीक है, और सूंघने, ठीक है, स्पर्श सूंघने आदि क्रियाओं में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? तो आपको याद रखना आदि क्रियाओं में जो सहायक होते हैं वो पीनील ग्रंथि होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कहीं, अगर आप सफ़र कर रहे हो या आपने कहीं सूरदास को अगर देखा होगा कि जो जन्म से अंधे, उनको देखा होगा कि वो कोई भी चीज़ है, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे नोट की बात करते हैं, अगर 10 का नोट है, अगर 20 का नोट है, अगर या 100 का नोट है, तो वो जन्म से अंधे होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों कि नोट को वो स्पर्श कर पहचान लेते हैं कि ये 10 का नोट है, ये 100 का नोट है, या 20 का नोट है। क्योंकि इन लोगों में क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना पीनील ग्रंथि
क्या होती है, अधिक विकसित होती है, या ये ग्रंथि क्या होती है, इन लोगों में क्या होती है, इन सप्रसादी क्रियाओं में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि ये जो पीनियल ग्रंथि है, ये पीनियल ग्रंथि अपनी जैविक क्रियाओं में सहायक होती है। किन क्रियाओं में सहायक होती है, तो आपको याद रखना कि कौन सी ग्रंथि जैविक क्रियाओं में सहायक होती है। तो आपको याद रखना ये जो दोस्तों पीनियल ग्रंथि है, ये क्या है, अपनी जो जैविक क्रियाओं में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, और जैविक क्रियाओं में सहायक होने के कारण दोस्तों इसे अपन पीनियल ग्रंथि को अपने क्या कहते हैं, अपने जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, किस ग्रंथि को मानव शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों ये जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं। और जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती है दोस्तों, जैसे पाचन है, जैसे सर्कुलेशन है, आदि जो जैविक क्रियाएं हैं, और इन जैविक क्रियाओं में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है, तो पीनियल ग्रंथि सहायक होती है। और इसीलिए दोस्तों पीनियल ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, जैविक घड़ी भी कहते हैं। और इंग्लिश में दोस्तों इसे अपन क्या कहते हैं, इंग्लिश में अपन कहते हैं बायोलॉजिकल, क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल, इसे बायोलॉजिकल कलोक ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो आपसे पूछ लिया जाए कि बायोलॉजिकल घड़ी किसे कहते हैं या बायोलॉजिकल कलोक ग्लैंड किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना पीनियल ग्रंथि को अपन रेत, पीनियल ग्रंथि को रेत या धूल का कण भी कहते हैं, रेत या धूल का कण भी कहते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, रेत या धूल का कण भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना किस ग्रंथि को कहते हैं, तो ये पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों कि जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये रोचक सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, आपको बहुत अच्छी अच्छी रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। आपने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से पीनियल ग्रंथि का अपने शरीर में कार्य होता है। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, अपने मस्तिष्क में होती है, जहाँ अपन तिलक लगाते हैं वहाँ कौन सी ग्रंथि होती है, तो आपको याद रखना पीनियल ग्रंथि होते हैं। मेलेटोनिन हार्मोन किसकी वजह, किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना पीनियल ग्रंथि से। और ये हार्मोन दोस्तों क्या होता है, अधिक प्रकाश में तो कम स्राव होता है, और अंधकार में क्या होता है, अधिक स्राव होता है। और इसीलिए इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, नाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस हार्मोन की कमी से अपन निंद्रा के, अनिंद्रा के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना मेलेटोनिन हार्मोन। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये मेलेटोनिन हार्मोन के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये क्या है, ये अपने निंद्रा या नींद में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो पीनियल ग्रंथि है, एक प्रकाश संवेदी ग्रंथि है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ग्रंथि एक प्रकाश संवेदी ग्रंथि है, तो दोस्तों आप याद रखना पीनियल ग्रंथि एक प्रकाश संवेदी ग्रंथि है। और इसीलिए दोस्तों पीनियल ग्रंथि को अपने क्या कहते हैं, मनुष्य की तीसरी आंख भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तेज प्रकाश वाला जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो यहाँ के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में क्या है, यौनावस्था शीघ्र आ जाती है। क्यों आ जाती है दोस्तों, ये मेलेटोनिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। और इसके अलावा जो जन्म से अंधे बच्चे हैं, और उनमें क्या होता है कि इसमें भी क्या है, यौनावस्था समय पूर्व आ जाती है। किस हार्मोन की वजह से आ जाती है, तो दोस्तों आप याद रखना मेलेटोनिन हार्मोन। इसके अलावा दोस्तों सूंघने, स्पर्श करने आदि क्रियाओं में, आदि क्रियाओं के विकास में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है, तो आप याद रखना दोस्तों उसमें हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पीनियल ग्रंथि को अपन जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं, और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितने भी अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी आपके साथी हैं, उन सभी को दोस्तों आप अवगत कराओ चैनल के बारे में। बहुत अच्छा चैनल है दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिशन, जो भी कॉम्पिटिशन, जिस भी कॉम्पिटिशन में अगर जनरल साइंस आती है, तो उनके लिए जनरल साइंस दोस्तों काफ़ी है। ठीक है, और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं ज़्यादातर, अगर कोशिश मेरी ये रहेगी कि इससे बाहर क्वेश्चन आप बनाए जाएँ। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अपने जनरल साइंस की बुक्स भी जल्दी आ रही है मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों।